जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है, देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन हमेशा भी हारमोनिया सीबीएसई में अराइज करता ही है स्टूडेंट्स। इस बार जो क्वेश्चन आएगा आपका थेल्स और पाइथागोरस, दोनों में बच्चे टर्म 1 में आएगा पाइथागोरस और टर्म 2 में जो आ जाएगा वो आपका थेल्स आएगा। आप लोग दोनों स्टूडेंट्स कवर करके जाएंगे, इसलिए इस पे 100% फोकस रखिएगा। चलिए पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे, आज पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या है वो भी हम लोग सुनेंगे स्टूडेंट। तो पाइथागोरस दैट मींस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल विद द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, दैट मींस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। दैट मींस ओनली दिस पाइथागोरस थ्योरम इज पॉसिबल हियर, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ओनली आपको इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। और इसी में स्टूडेंट देखिए दैट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज बी इज व्हाट 90 डिग्री एंड सी एंड ए इज व्हाट एक्यूट एंगल। तो एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, व्हिच वन इज हाइपोटेनस स्टूडेंट, एसी, एंड एबी परपेंडिकुलर बीसी बेस। तो दैट मींस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना है, यानी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। तो देखो तो लॉन्गेस्ट साइड यही ना है AC, और ये बच्चा क्या है बताओ AB, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या है BC, तो ये बेस हो गया, इसको भी आप परपेंडिकुलर कहो तो ये बेस हो जाएगा, लेकिन ये ऑलवेज हाइपोटेनस कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन लिखेंगे, वही बात जो मैंने बोला स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे तो गिवन से करेंगे, जिसमें गिवन में स्टूडेंट दिया हुआ है एबीसी इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एकदम फुल स्टेटमेंट लिखिएगा स्टूडेंट, तभी आपको नंबर मिलेंगे। सच दैट में लिख देंगे एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है, राइट है तो 90 होगा ही होगा। अब इसके बाद टू प्रूफ में करेंगे स्टूडेंट्स, क्या प्रूफ करना है बोलो, कि AC के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, दैट मींस AC को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी H के स्क्वायर इज इक्वल टू B के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। यही स्टेटमेंट को हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि AC के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यानी इसी को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे स्टूडेंट एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे प्रूफ करेंगे तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस भी कर लेंगे स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शंस में क्या कर लीजिएगा कि ड्रॉ, इसको मैं एम नाम दे रहा हूं, तो ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ऑन एसी, ड्रॉ बीएम परपेंडिकुलर ऑन क्या एसी, इसमें कर लीजिएगा ड्रॉ बीएम परपेंडिकुलर ऑन एसी। देखिए बच्चे BM को मैं परपेंडिकुलर कर लिया हूं, किस पे AC पे कर दिए हैं, ठीक है। अब जब BM परपेंडिकुलर AC कर लिए तब यहां से स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे प्रूफ, और प्रूफ में चलेंगे। तो प्रूफ में स्टूडेंट्स याद रखिए, याद क्या करना है स्टूडेंट, बिल्कुल आप जानते हो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, उसी के बेस पे ये क्या कर देंगे प्रूफ कर देंगे। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए सिमिलर फिगर, अब एक होता है कंग्रुएंस फिगर, तो यहां पे सिमिलर फिगर लेंगे, सिमिलर दैट मींस टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप इज सेम बट साइज आर डिफरेंट, दैट मींस ओनली शेप सेम होगा लेकिन साइज स्टूडेंट डिफरेंट होगा। अब इसमें वैसे ही ट्रायंगल का सिलेक्शन करो जिसमें दो फिगर हम सिमिलर करेंगे, जैसे ए एम बी और इन ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों को कर देंगे तो नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एम बी एंड इन ट्रायंगल बोलोगे बच्चे ए बी सी, इसी में चल रहा है आपको, यानी ए एम बी और ए बी सी में मैं चल रहा हूं, ठीक है ना। तो अब थोड़ा मैं स्टेटमेंट को क्लीन कर दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्टूडेंट, नोट कर लीजिए आप,
ओके चलिए ठीक है, नोट कर लिए, मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। हाँ देखिए ए एम बी और ए बी सी में चल रहे हैं, तो क्या मिला स्टूडेंट कि एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। देखो तो स्टूडेंट ए एम बी भी 90 है और ए बी सी भी 90 है और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, इसको हम कह देंगे कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल से है स्टूडेंट्स, तो इससे कह देंगे डायरेक्ट कि सो द ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर ऑन ट्रायंगल ए बी सी बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, एंगल से आपको क्राइटेरिया पता होगा कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल दैट मींस 4 क्राइटेरिया होते हैं जिसमें एंगल एंगल होता है स्टूडेंट, डबल एंगल इसको बोलते हैं, फिर ट्रिपल एंगल दैट मींस एंगल 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 होता है, और थर्ड जो होता है स्टूडेंट वो साइड एंगल साइड होता है, और जो लास्ट होगा वो साइड 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 होगा, यानी देयर आर 4 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, एंगल 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 एंड साइड एंगल साइड एंड साइड 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 होगा स्टूडेंट, इसलिए यू हैव टू रिमेंबर इट, दिस इज द 4 क्राइटेरिया ऑफ क्या सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्लियर आर नॉट। ओके स्टूडेंट्स, इससे हम बाई सीपीएसटी से कहेंगे सीपीएसटी दैट मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से आप जानते हो स्टूडेंट कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो देखिए यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है इसमें ऑब्जर्व करना है। अब मान लेते हैं इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ए एम, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है देखो ए बी, तो इसको यही लिख देना है कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब इसका बच्चा ए और बी ले रहे हैं तो ए बी लोगे तो इसका क्या हो जाएगा देखो, तो ए और बी इधर से अगर ए और सी इसलिए ए सी लिख देंगे, क्रॉस कर दो स्टूडेंट तो क्रॉस करोगे तो क्या आएगा ए बी में ए बी से गुना करोगे तो ए बी स्क्वायर, अब इसमें से करोगे तो ए एम इनटू ए सी आ जाएगा, दैट इक्वेशन इज फर्स्ट, क्लियर और नॉट। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया हूं ए बी में, ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी के स्क्वायर, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम इंटू ए सी आ जाएगा। अब इसी प्रकार सिमिलरली में लिखेंगे स्टूडेंट, थोड़ा मुझे क्लीन करना होगा इसलिए मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। चलिए सिमिलरली में चलेंगे, डायरेक्टली सिमिलरली में लिख देना स्टूडेंट, एग्जाम्पलर ऑलरेडी समझ जाएगा। सिमिलरली में क्या लिखोगे कि ट्रायंगल बोलोगे बी एम सी, बी एम सी और ए बी सी, ये भी जो होगा वो ऑल्सो सिमिलर हो जाएगा उसी क्राइटेरिया से, एंगल एंगल से, और जब सिमिलर हो गया स्टूडेंट तो बाय सीपीएसटी से कहेंगे वही चीज हम कहेंगे यहाँ पे, देखिए बीएम तो बीएम के लिए बच्चा ए बी आ रहा है, और यहाँ से सीएम तो सीएम के लिए आ रहा है सीबी, तो पहला हम यहाँ से सीएम उठा रहे हैं तो सीएम अपॉन बताओ सीएम तो क्या है सीबी, तो चलो सी बी लिख देते हैं, और इधर से स्टूडेंट उठा लेते हैं देखो सी बी, यहाँ से सी और बी, यहाँ से सी और ए, यहाँ से सी बी लिख देते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा सी और ए दैट मींस ए सी। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे सिलेक्शन करते हैं स्टूडेंट, आपको यहाँ से सी एम लिए तो देखो सी एम, इधर से क्या है सी बी तो सी एम अपॉन सी बी, अब बच्चे सी से बी लिए तो देखो सी और बी तो सी बी, इधर से मिला सी ए तो इससे सी ए पहुंचा ए सी करो सेम है, अब इस सी बी में सी बी से गुना करोगे इसको कह सकते हो सी बी करो चाहे बी सी करो, तो सी बी के स्क्वायर या बी सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी में सी एम से करोगे तो ए सी इंटू क्या सी एम, दैट इक्वेशन इज सेकेंड। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, नीचे थोड़ा सा स्पेस है मैं लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, अब ये दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, तो देखिए हम यहाँ पे जोड़ेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड को, तो एलएचएस एलएचएस में ऐड करो तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट ए बी के स्क्वायर, और इसको बोलोगे बी सी के स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बताइए ए एम इंटू ए सी और यहाँ पे ए सी इंटू सी एम, इस दोनों में देख रहे हैं स्टूडेंट ए सी ए सी क्या है कॉमन है, तो ए सी कॉमन कर लीजिए इसमें आ जाएगा ए एम प्लस एम प्लस व्हाट सी एम आ जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट ए सी और ए एम प्लस सी एम फिगर में देखो ए एम प्लस सी एम तो मिलकर बन जाएगा ए सी, और ए सी में ए सी से गुना करोगे तो ए सी स्क्वायर, यही ना आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स, देखिए तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर इज इक्वल टू
स्टूडेंट यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। अब इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके,